चलो फिर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट्स. दिस इज़ चैप्टर थ्री ऑफ सिविक्स एंड चैप्टर नेम इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. यानी इसके बारे में मैं आपको कल इंपॉर्टेंट टर्म्स करवा चुका हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाया हूँ बच्चों. ये वेरी शॉर्ट से अब स्टार्ट कर रहा हूँ. तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बाय इलेक्शन. आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, बाय इलेक्शन क्या होता है. बाय इलेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं उपचुनाव. जैसे क्या होता है कि मान लो अब इलेक्शन होने किसी एरिया में, और इलेक्शन के लिए कोई डेट भी रख दी गई, और डेट रख दी तो जितने भी, जैसे मान लो चार आदमी इलेक्शन में खड़े हुए हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और किसी कारणवश एक बंदे की डेथ हो गई तो बाकी जो तीन बंदे हैं ना वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उस दिन. और इसलिए क्या होगा, इसका इनका दोबारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. या कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन हो जाता है, और इलेक्शन होने के बाद जो भी वहाँ का गाँव का सरपंच, MP जो भी बनता है, मतलब जो PM कोई भी बने, तो उसको ना 5 साल के लिए उसका ड्यूरेशन होता है. और 5 साल के बीच में अगर वो आदमी मर जाता है, या 2 साल में मर जाए, 3 साल में उसके एक्सीडेंटल किसी भी कारण उसकी मौत हो जाए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर ना दोबारा इलेक्शन किए जाते हैं. तो उस तरह के इलेक्शन को हम ना बाई इलेक्शन बोलते हैं बच्चों. ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा. तो एक बार इसको इंग्लिश में देखिए. द इलेक्शन विच इज़ हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी. यानी किसी भी कंस्टिट्यूएंसी, किसी भी एरिए में किसी भी वैकेंसी को फिल करने के लिए. कौन सी वैकेंसी, जो कैसे हुई है वो वैकेंसी, क्लोज्ड बाय द डेथ, या तो किसी बंदे की डेथ होने के कारण, और रेजिग्नेशंस ऑफ ए मेंबर, या किसी बंदे ने अपना इस्तीफा दे दिया हो उसके कारण वो पद खाली हो गया, उसकी वैकेंसी हो गई हो, तो उसको फिल करने के लिए जब इलेक्शन किया जाता है तो उस इलेक्शन को हम बोलते हैं बाई इलेक्शन. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है. देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कई एरिया ऐसे होते हैं कि जिसमें ना एक कास्ट का पर्टिकुलर मेजोरिटी ज़्यादा होती है. जैसे मान लो कोई अमीर बड़ी बड़ी कास्ट है, जैसे जाट समुदाय, या कोई भी कई भी जो पर्टिकुलर समुदाय है, जैसे SC कास्ट SC, जो छोटी छोटी कैटेगरी हमारी, वो दलित लोग हैं, वो नीचे दबके तबके रह जाते हैं. जो हायर कैटेगरी के जो लोग हैं वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, और उनकी ना कभी, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, कभी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, और वो जिंदगी भर दबे ही रहते हैं. यानी गरीब गरीब ही रहते हैं, और अमीर होते चले जाते हैं. तब हमारी गवर्नमेंट ने एक इलेक्शन में एक रूल बनाया है कि उस गाँव में ना जो ऊँची कास्ट के लोग हैं ना, वो कभी सरपंच नहीं बनेंगे. तो उनको क्या हुआ, जो निचली कास्ट के लोग हैं ना, यानी SC लोग हैं, ST जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो उनको ना रिजर्वेशन दिया गया कि अब की बार इलेक्शन तुम्हें लड़ना है. अब क्या होता है, जब वे लोग हैं ना इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो अपने लेवल के, अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए उसमें दोबारा पार्ट लेते हैं, और अपने एरिया को अच्छा बनाते हैं ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके. तो बच्चों देखिए क्या होता है, व्हाट इज रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, सम कंस्टिट्यूएंसी, कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर द पीपल, कुछ लोगों के लिए रिजर्व की गई है. वो बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, जो SC कास्ट के लोग हैं, एंड शेड्यूल ट्राइब, और जो ST कास्ट के लोग हैं. देखो SC कास्ट क्या होते हैं, हमारी SC कैटेगरी में ना हमें 3 कास्टों को लिया गया. जैसे हम, एक हरिजन कास्ट होती है, एक हमारी वाल्मीकि कास्ट होती है, और एक हमारी धानक कास्ट होती है. इन तीनों कास्टों को हम SC बोलते हैं. और जो ST होता है, यानी कि जो जंगलों में लोग रहते हैं, जो कबीलों में लोग रहते हैं, जो घुमंतू जनजाति के जो लोग होते हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं. इन दोनों कैटेगरी के जो लोगों को, जो निचले दबके में रहती है, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको रिजर्व किया गया है, ताकि वे भी अपना स्तर, लेवल स्तर उठा सके. इन्हें SC रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, जो SC रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है, ओनली समवन वो बिलोंग टू SC कास्ट, जो इस कास्ट से रिलेटेड बंदा होता है, वो कैन कंटेस्ट फॉर इलेक्शन, वो भी इलेक्शन लड़ सकता है. ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ए पोलिंग बूथ. पोलिंग बूथ क्या होता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये. पोलिंग क्या होता है कि जब है ना इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के लिए जब डेट आपकी रखी जाती है, तो वहाँ पर है ना एक एरिया होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है. उसमें क्या होता है, बहुत सारे कमरे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में. अब गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी कमरे होते हैं ना, उन कमरों में से किसी एक दो कमरे को ना सिलेक्ट कर लिया जाता है कि इसमें इलेक्शन होंगे. उन कमरों के बाहर है ना पेंट कर दिया जाता है, जैसे येलो कलर का पेंट कर दिया जाएगा, या एक निशानी बना दी जाती है कि ये कमरे ना इलेक्शन वालों ने सिलेक्ट कर लिया, अभी इसमें इलेक्शन होएगा. उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्शन की डेट होती है, उस डेट से एक दिन पहले ना वहाँ पर पुलिस, और जो पोलिंग बूथ पर जो ड्यूटी देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, या कोई भी जिनकी ड्यूटी लगी रहती है, उनको एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है ताकि वहाँ का जायजा ले सके, ताकि वहाँ पर इलेक्शन के दिन कोई भी घटना ना हो. तो इसलिए उसी जिस जगह पर वो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की वोट गिरनी है, उस जगह को हम पोलिंग बूथ बोलते हैं बच्चों. तो पोलिंग बूथ इज़ ए प्लेस, एक ऐसा स्थान होता है वेयर पीपल गो टू
कास्ट देयर वोट, जहाँ पर लोग अपनी वोट डाल सके इन दैट डे ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन का दिन रखा जाता है, उस दिन इलेक्शन के जो वोट गिरती है, जिस जगह पर गिरती है उसको पोलिंग बूथ कहा जाता है। इट इज़ सिचुएटेड यूजुअली ए लोकल स्कूल, या तो वो जो कमरे सेलेक्ट किए जाते हैं तो स्कूल के होते हैं, और एक गवर्नमेंट ऑफिस या किसी भी सरकारी ऑफिस के हो सकते हैं बच्चों। नाउ इज़ फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज़ एन ईवीएम? ईवीएम क्या होता है बच्चों? ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि जब हमारे देश में सबसे पहली बार इलेक्शन हुए थे ना, तो उस टाइम है ना मतपेटी का यूज़ किया जाता था, यानी कि बॉक्स बना दिए जाते थे बच्चों। और बॉक्स में क्या होता था कि यहाँ पर है ना तीन लैंग्वेज में बंदे का नाम लिखा रहता था। जैसे मान लो इलेक्शन में मैं खड़ा हो गया, मेरा नाम नवीन है, और मेरा नवीन नाम है ना इंग्लिश में लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा, और एक बार है ना उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे अपोजिट में जो बंदा खड़ा होता था उसके भी ऐसे सेम नाम होते थे। यहाँ पर हमारे ना सफेद कागज रखे जाते थे और एक स्टैंप रखी जाती थी। अब क्या होता था, जो बंदा इस पर स्टैंप मारने के बाद इस कागज को ना इस पेटी में डाल देता ना, इस बॉक्स में डाल देता था, तो मेरी वोट मानी जाती थी। लेकिन अगर बाय चांस इसने स्टैंप इसमें लगा दी और लगाने के बाद इस बॉक्स में डाल दिए, तो ना तो वो इसकी वोट गिनी जाती थी ना इसकी वोट गिनी जाती थी। तो इस तरह से इलेक्शन होता था। तो पहली बार इलेक्शन हुए थे और दूसरी बार जब इलेक्शन हुए तो इस तरह का फंडा यूज़ किया गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो थर्ड इलेक्शन हुए उसमें हमारा बैलेट पेपर यूज़ किया गया। बैलेट पेपर में क्या होता था, जितनी भी वोट डाली जाती थी उसमें से एक पेपर निकलता था, उस पेपर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ना उसी के अकॉर्डिंग है ना बंदे को देखा जाता था कि इलेक्शन में इसकी बढ़ोतरी ज़्यादा चल रही है। फिर ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि जितने जो भी अपोजिशन में जो पार्टी हार जाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ इलेक्शन में जैसे बहाने बनाते, एक्सक्यूज़ बनाते कि हम इसकी वजह से हार गए। तब उसके बाद है ना हमारे देश में ना ईवीएम का फंडा लेके आया। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें क्या होता है कि एक बोर्ड होता है और उसमें जितने भी बंदे इलेक्शन में खड़े होते हैं उन बंदों का सीरियल नंबर होता है, फिर उन बंदों का नाम लिखा रहता है, और यहाँ पर उनका एक सिंबल होता है, और यहाँ रेड बटन होता है, जो भी बंदा जिसको वोट देना चाहता है उसी का बटन दबा देता है, और बटन दबाने के बाद यहाँ पर ईवीएम में उसकी रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद ये भी फंडा आजकल गलत होने लग रहा है, तो इसके बाद क्या चला गया, वीवीपीएटी चला दिया, यानी कि जो भी बंदा वोटर वेरीफाई, जो भी बंदा वोट डालता है तो उसकी ना फ़ोटो, यानी कि जैसे यहाँ पर बटन दबा दिया ईवीएम में, और जो वीवीपीएटी के नाम से उसमें फ़ोटो निकल के आएगी कि आपने इस बंदे की वोट दिखाई। अगर वो देखना चाहता है कि मेरी वोट किसके पास गई है तो वो उसका भी यूज़ कर सकता है बच्चों आज के टाइम में। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ईवीएम। और ईवीएम में क्या होता है, विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वोट, जो भी वोट डालने का जिसने जिसकी भी आपने वोट डाली उसका रिकॉर्ड डाला जाता है। द मशीन शो द नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसमें क्या होता है जो भी बंदा इलेक्शन में खड़ा होता है उसका नेम दिखा जाता है और उसके सिंबल दिए जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसका यूज़ क्यों होने लगा, क्योंकि इसमें पर्ची गिनने में टाइम लगता था। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, अगर अभी इलेक्शन हुए ना शाम को 5 बजे तक इलेक्शन हुए ना, उसमें क्या होता है बटन दबाने के बाद है ना जीते हुए बंदे का नाम 1 मिनट में आपको पता लग सकता है। इसमें बहुत जल्दी से स्पीड से काम होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाने लगा है। एंड दिस इज लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्शन कमीशन? इसके बारे में मैं आपको कल वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कीवर्ड्स वे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए इसके बारे में बता चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशनर की होती है। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, जो भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई है उसको जैसे कि देखना है कि ये पार्टी के लिए ठीक है, उसको इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करने होते हैं, इलेक्शन की डेट रखनी होती है, इलेक्शन की ड्यूटी लगानी होती है, पुलिस की ड्यूटी लगानी होती है, पोलिंग बूथ सेलेक्ट करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम इलेक्शन कमीशन के होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड काम होते हैं, कंडक्ट कंट्रोल, जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाना उसको कंट्रोल करना, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं का अगर मान लो आज इलेक्शन हो रहा और कहीं झगड़े हो जाते हैं तो ये उसको कैंसिल भी कर सकता है, और कि कोई भी ये देखना है कि वहाँ पर जो इलेक्शन होने लग रहा है वो अच्छी तरह से होने लग रहे कि नहीं। तो मैंने अभी बताया था आपको कल कि इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया था वो सुकुमार सेन के नाम से बनाया गया था बच्चों, सुकुमार सेन। और आज के टाइम में ना जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम है सुनील अरोड़ा, और ये ना हमारे देश के 23rd यानी 23वें इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जैसे 5 साल का होता है, अगर ये अच्छा काम नहीं करे तो इनको भी हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना समझना इन चीज़ों को और अपना अच्छे से उतारना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।